रामपुर अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के कार्यकर्ता डिग्री कॉलेज रोड पर चौकी पाखर चौराहे पर एकत्र हुए। 6:05 पर आतंकवाद का पुतला आग के हवाले किया। कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर प्रदर्शन करने के बाद आतंकवाद के पुतले में आग लगाई। अगर समय रहते जवाब नहीं दिया तो इन दहशतगर्द के हौसले और भी बुलंद होंगे। मोदी जी कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। देश में मरने वाले श्रद्धालु थे, आतंकी नहीं। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। महासंघ के अध्यक्ष फरहत खान ने कहा कि आतंकवादियों के कायराना हरकत की है, सरकार को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम अपनी सरकार से अपील करते हैं, ऐसे आतंकवादियों के सर कलम कर देना चाहिए जिन्होंने हमारे जो अमरनाथ यात्री थे उनकी हत्या कर दी, बेगुनाहों की हत्या कर दी। हम उनके परिवारों के साथ हैं, सारा मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन जो कश्मीरियों के मंसूबे हैं उन्हें किसी भी हालत में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि अगर आतंकवाद मिटाना है तो वहां पर सेना का जो सेना के हाथ में वो पूरा कश्मीर दे देना चाहिए। इस तरीके से आतंकवाद खत्म होगा। जुल्म को मिटाने के लिए जालिम का खात्मा जरूरी है। भारत सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि अब कोई भी घटना ऐसी नहीं घटे जिससे हमारे किसी भी तीर्थ यात्री, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वो इस वक्त में कांवड़िया हो रहा है, इस वक्त कांवड़ लेके आ रहे हैं, या जो हमारे हज को जाने वाले यात्री हैं उनके साथ ये आतंकवादी किसी तरीके की घटना कर सके। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि अब पाकिस्तान का खात्मा जरूरी है। हमें हिंदुस्तान का तिरंगा अब इस्लामाबाद पे चाहिए। हर मुसलमान इस चीज़ की जो है वो उम्मीद करता है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल खत्म करके अपने हिंदुस्तान की हमारी सरकार उसके ऊपर कब्जा करे।